हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन घर बैठे ही कैसे अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना फोटो, अपना सिग्नेचर कैसे चेंज कर सकते हैं, और वो भी दोस्तों मात्र 2 मिनट में। और दोस्तों चेंज करने के विद इन 10 डेज के अंदर, मतलब कि 10 दिन के अंदर जो है पैन कार्ड आपके घर पे भी आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको NSDL की साइट जो है जिसपे पैन कार्ड बनता है उस साइट को आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो डायरेक्ट वहां से चेकआउट करके आ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे सबसे पहले यहां पे आपको अप्लाई ऑनलाइन और रजिस्टर्ड यूजर का 2 ऑप्शन मिलेगा, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पे ही रहने देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको जो तीसरा वाला ऑप्शन है पैन कार्ड करेक्शन का, ये आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से कैटेगरी में दोस्तों आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे टाइटल में जो भी आपका टाइटल है, श्री श्रीमती कुमारी जो भी है, आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है, तो दोस्तों जैसे कि मेरा नाम राजीव गुप्ता है तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा गुप्ता, और यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा RAJEE राजीव। और दोस्तों मेरा मिडिल नेम नहीं है तो यहाँ पे मैं मिडिल नेम को छोड़ सकता हूँ। अगर आपके में तीनों नेम अवेलेबल है तो आप यहाँ पे तीनों नाम यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा, बट यहाँ पे सबसे पहला जो नाम यहाँ पे भरना है ये लास्ट नेम है, मतलब आपको सबसे आखिरी वाला नाम आपको भरना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ईमेल आईडी में दोस्तों आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देनी है। मोबाइल नंबर में दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है वेदर सिटीजन ऑफ इंडिया, यहाँ पे यस पे आपको क्लिक कर देना है, और यस पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा, आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद से इस वाले बॉक्स में आपको चेक कर देना है। चेक करने के बाद से दोस्तों इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है, और फिलअप करने के बाद से आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है, या तो आपको कॉपी पेन पे इसे कहीं नोट करके आपको रख लेना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको कंटिन्यू विथ पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे सेव ड्राफ्ट पे आपको क्लिक कर देना है, कि जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो सारा सेव हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। अब दोस्तों अगर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना है, आपको अपने फोटो और सिग्नेचर को चेंज करना है, करंट का लगाना चाहते हैं, तो आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, तो दोस्तों यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी आपका पैन कार्ड नंबर शो करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आधार नंबर फिलअप करने के लिए बोल रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट आपको टाइप कर देने हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको दिया हुआ है नेम एज पर आधार, तो जो भी आपके आधार कार्ड में आपका नाम है आपको सेम वही आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है टाइटल, तो यहाँ पे टाइटल में आपका अगर टाइटल छूट गया है तो यहाँ पे टाइटल को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड से ही ऑटोमेटिक आपका डेटा यहाँ पे श्रिंक कर लेगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी आपका ऑटोमेटिक श्रिंक कर लेगा, और यहाँ पे जेंडर में दोस्तों अगर आपका जेंडर सेलेक्ट नहीं है तो आप जेंडर को यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे आना है, और दोस्तों अगर आपको फोटो और सिग्नेचर आपको दोबारा अगर मिसमैच है अपलोड करना है तो इसको आपको ट्रिक ही रहने देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फादर का नाम टाइप कर देना है, तो दोस्तों यहाँ पे फादर का लास्ट नेम पहले लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है, और दोस्तों मदर का नाम जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो भर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, तो दोस्तों अगर आप पैन कार्ड पे अपने माताजी का नाम चाहते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं आपके पिता का नाम अगर आए आपके पैन कार्ड पे तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहां पे आपको सेव ड्राफ्ट पे क्लिक करके इस डेटा को जो भी अभी तक आपने फिलअप किया है इसको सेव कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहां पे देख सकते हैं योर डिटेल्स आर सक्सेसफुली सेव्ड। अब दोस्तों यहां पे स्क्रॉल करके नीचे आना है,
नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एड्रेस अब फिलअप करने के लिए आ गया है। तो दोस्तों अगर आप ऑफिस एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं तो ऑफिस पे क्लिक करेंगे, अगर आप आवासीय घर के पते पे मंगाना चाहते हैं तो आप रेजिडेंस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना, अगर शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे फ्लैट नंबर, ब्लॉक नंबर जो भी आप अवेलेबल है आप उस हिसाब से इसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पे विलेज, पोस्ट, यहाँ पे तहसील, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे कंट्री नेम में दोस्तों यहाँ पे आपको इंडिया टाइप कर देना है। जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ इंडिया। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपका स्टेट आ जाएगा, तो जो भी आपका स्टेट होगा आप अपना जो स्टेट है वो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एरिए का पिन कोड टाइप कर देना है, जो भी आपके एरिए का पिन कोड होगा आप उसको टाइप कर देंगे। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ दिया हुआ है कंट्री कोड, तो कंट्री कोड में भी दोस्तों यहाँ पे आपको अपना इंडिया ही टाइप कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इंडिया आ जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एसटीडी कोड आप इसे छोड़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका ऑलरेडी मोबाइल नंबर फिलअप होगा, जो कि अभी स्टार्टिंग पेज पे ही आपने फिलअप किया था। उसके बाद से दोस्तों जो आपने ईमेल आईडी फिलअप किया था वो ही ईमेल आईडी यहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट करके आप इसे चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके पास एक से अधिक पैन कार्ड है तो उस पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर टाइप कर देंगे, वो पैन कार्ड ऑटोमेटिक सरेंडर हो जाएगा। और दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद से यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको वी हैव इनक्लोज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ पैन। तो दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना आधार ही सिलेक्ट कर देना है, क्योंकि आधार जो है वो तीनों में मान्य हो जाता है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है प्रूफ ऑफ पैन, तो दोस्तों प्रूफ ऑफ पैन में अगर आपके पास पैन कार्ड की कॉपी है तो यहाँ पे कॉपी ऑफ पैन कार्ड पे कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे आप नो डॉक्यूमेंट भी क्लिक कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पैन कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करना ही है और पैन कार्ड अपलोड करना ही है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आई वी, यहाँ पे दोस्तों आपको लिख देना है अपना नाम। तो यहाँ पे जैसे मेरा नाम राजीव गुप्ता है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा राजीव गुप्ता। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे इस पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे हिमसेल्फ और हरसेल्फ पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है आई वी हैव इनक्लोज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, वो है आधार कार्ड। तो यहाँ पे वन आपको टाइप कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे प्लेस में आपको अपने गांव का नाम, आपके एरिया का नाम, अगर शहर में रहते हैं तो आपके अपने एरिया का नाम जो है यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फोटो अटैच करना है, जो फोटो की जो साइज है वो 50 KB जो है वो मैक्सिमम 50 KB होनी चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे साइज बनाने के लिए बता रहा है 3.5x2.5 होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 50 KB से ऊपर आपका जो है फोटो नहीं होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ अपलोड सिग्नेचर, सिग्नेचर भी आपका 50 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, तो दोस्तों सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जो है हम आधार कार्ड लगा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको अपना सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड इस पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और दोस्तों जो आधार कार्ड की साइज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 300 KB होनी चाहिए, और जो आपको आधार कार्ड अपलोड करना है वो PDF में अपलोड करना है। दोस्तों यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आप JPG में अपलोड कर देंगे और जो आधार कार्ड है वो PDF में अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों एक मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, जिससे मुझे फोटो अपलोड करना है तो इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे फोल्डर चूज करना है कि आपका कहाँ पे फोटो है, तो यहाँ से हम फोटो जो है वो ले लेंगे और फोटो लेने के बाद से अपलोड पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों अपलोड पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पे आपको एक लोडिंग पेज आएगा और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा जो फोटो है वो अपलोड हो गया है। ऐसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सिग्नेचर और अपने और भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर देंगे। दोबारा अपलोड करना चाहते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गया है, तो यहाँ पे डिलीट वाले बटन पे आप डिलीट करके फिर से दोबारा अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रोसेस करने के बाद से यहां पे आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड
प्लीज कंफर्म डिटेल्स। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो फाइनली सबमिट हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर आधार फर्स्ट 8 डिजिट, मतलब आपको अपने आधार कार्ड का स्टार्टिंग का 8 अंक जो है यहाँ पे टाइप कर देना है। और टाइप करने के बाद से दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आना है और जितनी भी डिटेल्स है उन सभी डिटेल्स को आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। दोस्तों अगर सारा डिटेल्स अगर आपका सही है तो यहाँ पे आपको नीचे प्रोसेड पे क्लिक करना है। अदरवाइज दोस्तों अगर आपके डिटेल्स में कुछ भी कमी है तो यहाँ पे आप एडिट पे क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर फाइनली अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको प्रोसेड पे क्लिक कर देना है। प्रोसेड पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आपका पेमेंट गेटवे आ जाएगा, आपको पेमेंट करने के लिए आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको 106 रुपए जो है वो पेमेंट करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको आई एग्री टर्म कंडीशन पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको पे कंफर्म पे आपको क्लिक कर देना है। पे कंफर्म पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप वॉलेट कार्ड्स यूपीआई आप इन सभी के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। और भी नो मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यूज माय यूपीआई ऐप और भी इसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बट दोस्तों सबसे इजी प्रोसेस है यहाँ पे आपको बारकोड जो दिख रहा है आपको अपने फोन पे गूगल पे से आप चाहें तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करते ही ये जो पेमेंट है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। पेमेंट कंफर्म होते ही दोस्तों यहाँ पे वेटिंग के लिए बोलेगा कि आपको वेटिंग करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ब्राउजर को ना ही कट करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है, यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट कर लेना है। तो दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको इस वाले बॉक्स में टिक कर देना है। टिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऑथेंटिकेट पे आपको क्लिक कर देना है। ऑथेंटिकेट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे ओटीपी ऑथेंटिकेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही दोस्तों आपका जो नंबर है उस पे एक ओटीपी सेंड हो गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद से आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू विथ ई शाइन का ऑप्शन आ जाएगा, तो दोस्तों आपको इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में चेक कर देना है। और चेक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप कर देना है। और आधार नंबर टाइप करने के बाद से आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो भी आपके आधार कार्ड में लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड हो जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद से आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली ओटीपी वेरीफाई हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है, ये पेज को लोड कर रहा है। अभी दोस्तों फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थैंक यू फॉर यूजिंग ऑनलाइन फैसिलिटी फॉर पैन एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पे जो है ये फाइनली जो है ये फॉर्म फिलअप हो चुका है और दोस्तों यहाँ पे एक रिसिप्ट जनरेट हो जाता है। दोस्तों ये अभी सर्वर की वजह से यहाँ पे ये लोड नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों ये जो रिसिप्ट जो होता है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और जो पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है। डेट ऑफ बर्थ कैसे आपको टाइप करना है यहाँ पे फॉर्मेट में बताया गया है, मतलब आपको अपने डेट ऑफ बर्थ में कोई भी स्पेस या कोई भी सिंबल या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लगाना है। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे ही अपने डेट मंथ ईयर आपको उसमें टाइप कर देना है तो ये जो फाइल है ये ओपन हो जाएगी। अभी दोस्तों ये सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो फाइल है ये हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो गया है। अब दोस्तों इसको हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं। दोस्तों ओपन करते हैं यहाँ पे ये डेटा ये पासवर्ड मांग रहा है तो वो पासवर्ड जो है वो आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को टाइप करके ओपन फाइल पे क्लिक कर देना है। ओपन फाइल पे क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिला है, इसी एक्नॉलेजमेंट नंबर से आप इसे ट्रैक भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये फाइनली जो आपका फॉर्म है ये फिलअप हो गया है। और दोस्तों इस फॉर्म को आपको कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है, ये एक ई शाइन वाला फॉर्म है जो कि आप इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर चुके हैं, ये फॉर्म कहीं भी भेजने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों 10 दिन के अंदर जो है आपके घर पे आपका जो पैन कार्ड है वो आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरी जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें, ऑल पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।